फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि कहते हैं कैसे हम आसानी से थोड़े से फ्रूट्स को कट करेंगे, पील करेंगे और डीसीड करेंगे। तो लास्ट तक देख बने रहिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अनार काट के देख लेते हैं। इसको ऊपर का हमने निकाल लिया पोर्शन। देखिए बीच में आपको दिख रहा है ना, हल्के हल्के से लाइन से दिखते हैं फ्रेंड्स, और बीच का पोर्शन जो है ना वो आपने निकाल लेना है इसे चाकू से। चलिए आराम से बीच का निकाल लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लाइंस को फॉलो करके करके ना फ्रेंड्स कट्स लगाने पड़ते हैं। तो ज्यादा डीप भी नहीं, जस्ट स्किन कट हो काफी है। ठीक है, देखिए ऐसे चार चार या पांच मिलेंगे आपको लाइंस, तो आप उसके हिसाब से ऐसे कट्स लगा लीजिए। लगाने के बाद आप हल्के से हल्के हाथों से ना फ्रेंड्स उसको खोल लीजिए, क्योंकि स्किन कटा हुआ तो आराम से ऐसे खुल जाएंगे। उसके बाद ना फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ऐसे पतले पतले से ना लाइट लेमन कलर के ना एक लेयर्स रहते हैं अंदर, जो बीज को बांध के रखते हैं। मतलब अगर वो होंगे तो बीज बाहर नहीं निकल सकते फ्रेंड्स, तो वो सारे आपने वो निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप क्या करना है, उसको उल्टा करके ना हल्का सा एक पोर्शन को दबाइए ऐसे बीच में से। आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स, बीच में ना एक गांठ सी आपको महसूस होगी, तो वहीं पे ना आप ऐसे चाकू को उल्टा करके या फिर स्टेनलेस स्पून हो गया, किसी भी फोक से ऐसे हल्के से टैप कीजिए उसको, तो आराम से ना फ्रेंड्स जितने भी बीज उसमें लगे हुए हैं वो निकल के आ जाते हैं। देखिए अगर आप ऐसे उल्टा करके देख लीजिए, अगर बीज नहीं निकल रहे तो वो पतली सी लेयर आप निकाल देंगे तो इमीडिएटली देखिए कितने सारे बीज निकल के आके आपके बॉल में गिर रहे हैं। देखिए ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ये एक हाथ होगा तो आप निकाल लीजिए। देखिए सेकंड फिर से आराम से देख लीजिए, हल्का सा इसको ऐसे दबाइए नीचे को, आपको एक गांठ सी महसूस होगी। देखिए साइड्स में देखिए पतला सा ऐसे मुड़ रहा है ना, लेकिन बीच में वो सख्त सा रहता है, बस उसी में बीज लगे हुए होते हैं, तो वहीं पे आपको टैप करना है। ओके, देखिए आराम से निकलता, नहीं तो ये अनार छिलना बोले तो इतना चीड़ आता है ना फ्रेंड्स, पूरे हाथ गंदे होते हैं चिप चिप से। अगर ये मेथड फॉलो करेंगे तो आप आराम से निकाल पाएंगे। देखिए ऑलमोस्ट सारे निकल गए, ये जो पतली सी वो परत थी ना उसको आप हटा देंगे तो वो भी एकदम निकल आएंगे बाहर। देखिए मैंने दो तीन बार ऐसे ही थोड़े से बार टैप किया तो पूरा बीज उसमें जितने भी थे सारे निकल के खाली हो गया। देखिए अभी भी थोड़े से बीज बचते हैं तो आप उसको वो लेयर को निकाल के देखिए आगे ना सारे, कितना आसान है, हाथ भी गंदा नहीं हुआ, पूरे सीड्स बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही छिल के रख लीजिए आप आराम से। चलिए मैंने पूरा कर लिया है वैसे। देखिए इसमें जो गंदे डिसकलर्ड सीड्स होंगे आप उनको निकाल दीजिए, निकाल के हल्के से थोड़ा सा सॉल्ट वाटर में इनको धो के रख लीजिए, जब चाहे आप आराम से खा सकते हैं और आपके बच्चों को भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रूट हम ले लेंगे, कीवी हो गया या स्वीट लाइम हो गया। ऑरेंज तो आराम से निकलता है फ्रेंड्स, लेकिन ये जो स्वीट लाइम या कीवी को छीलना थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता, जल्दी से निकलता नहीं है। तो चलिए अगर आप हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे तो उतना जल्दी उतना टुकड़ों टुकड़ों में देखिए कैसे निकल रहा है, निकलता नहीं है, चिपका रहता है ना। तो आपको ये तरीका यूज करना, सेम अनार को कैसे आपने चीरे लगाए थे ऊपर हल्के से, सिर्फ स्किन ही कटे ऐसे हल्के हल्के चीरे लगा लीजिए। देखिए कितना नीटली, मैं तो बिल्कुल प्रेशर भी नहीं लगा रही हूँ फ्रेंड्स, नीटली हो जाता है। तो ऐसे आप छिल के रख लेंगे ना, आपको आलस भी नहीं आएगा और एक ही बार गंद पूरा निकल जाएगा, आपको बार बार किचन भी गंदा नहीं होगा। आप ये पूरे ना निकाल के छिल के रख लेंगे तो जब भी आपका दिल करेगा उठाया खाया, आलस नहीं आता है वैसे। चलिए अब वाटरमेलन को काटने का देखते हैं। देखिए ये गैजेट मैंने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से लिया, मैं लिंक दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ये ऐसा वाला गैजेट है फ्रेंड्स, स्टेनलेस स्टील का। इसको देखिए आपने उल्टा ऐसे करके, मेरा तो बहुत छोटा है, जितना बड़ा वाटरमेलन होगा आपका उतने बड़े चंक्स निकलेंगे और इतना आसान होगा काम। ठीक है, तो देखिए आपने जस्ट उसको ऐसे अंदर को दबा देना है जहां तक आप जा सकते हो डीप ना। जाने के बाद ना फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रेशर देके ना आप ऐसे उसको
स्लाइड कर दीजिए, स्लाइड करके जैसे आप एंड तक आ जाएंगे तो उसके बाद में इसको गैजेट को उल्टा करके ना फ्रेंड्स उसको जो पीस कटा हुआ है उसको निकाल सकते हैं आराम से। इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले मुझे नहीं आता था, आदत हो गया। देखिए ये जो सामने रॉड दिख रही है ना उसको आपने अंदर दबाना है और जितना हो सके दबाओ, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर डाल के आप जैसे उसको स्लाइड करते रहेंगे ना फ्रेंड्स वो कट के अलग हो जाएगा स्किन से। ओके देखिए आराम से नीचे तक स्लाइड करके ऊपर आ जाइए, बस स्किन से ना ये पल्प को अलग कर देता है अच्छे से। देखिए ऊपर आ गए, फिर इसको टर्न कर लिया गैजेट को पकड़ के, देखिए ये पकड़ के निकालने के लिए आपको उल्टा करना पड़ता है फ्रेंड्स, ऐसे आप दबा देंगे तो उसमें फंस जाएगा अच्छे से। देखिए अगर कहीं से स्किन से अलग नहीं हुआ तो एक बार दोबारा चला लीजिए, देखिए आराम से निकल आता है। कितने बड़े चंक एक ही बार में निकल आया ना, देखिए बहुत नीटली निकलता है फ्रेंड्स। ओनली इसको डीप दबाना है, यही है टेक्निक। देखिए कितने आराम से दो चंक्स आपके निकल गए ना, जितना आप अंदर तक जाएंगे तो उतना अच्छे से आप निकाल पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है बट बहुत आराम से काम हो जाता है फ्रेंड्स। नहीं तो देखिए कितना सारा जूसी फ्रूट होने की वजह से इधर उधर वो मां नीचे भी गिर गया, संसाड़ेंगे निकालेंगे उसको धो के रख लेंगे। वैसे मैंने कपड़ा ही डाल के रखा है, नो प्रॉब्लम। देखिए लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि जब भी आप वाटरमेलन को काटना शुरू करते हैं उससे पहले आप अच्छी तरीके से धो लीजिए, क्योंकि रोड पे है ना, ये नहीं कि हम अंदर का पल्प खा रहे हैं तो बाहर भी हम छूते हैं इसको, तो पहले इसको अच्छे से ऊपर से धो के उसके बाद में ही आप कट करना कभी भी वाटरमेलन कट करते हैं तो। चलिए देखिए कितने आराम से हो जाते हैं, जितना बड़ा होगा ना फ्रेंड्स आपका उतने अच्छे चंक्स निकलेंगे और इतना ही आपका कम, बिल्कुल मेसी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए कितने आराम से कट के पीसेस निकल गए। चलिए आपके पास अगर वो गैजेट नहीं है तो कैसे करेंगे, ये बहुत जूसी फ्रूट है ना फ्रेंड्स, बहुत मेसी हो जाता है तो खाने में भी कई बार मुश्किल हो जाता है अगर आप बड़े बड़े पीसेस लेंगे तो। तो इसको आराम से बच्चों को देने के लिए ये तरीका आप अपनाएंगे तो बच्चे भी खुश, आप भी खुश, अगर गेस्ट आएंगे तो वो भी खुश। देखिए एक इंच का, आप ज्यादा पतला मत लीजिए, एक इंच का एक जितना मोटा एक आप पहले वाटरमेलन को आधा काट लीजिए, उसके बाद ऐसे एक एक इंच के पीसेस निकाल लीजिए। ठीक है देखिए अभी आपके पास है एक सेमी सर्कल जैसे, ठीक है ना, हाफ सर्कल जैसा पीस आया तो उसको फिर से आप बीच में से एक कट लगा देंगे तो आपको मिलेंगे एक ट्रायंगल पीसेस। अगर इस शेप में अगर काट के आप बच्चों को किसी को भी देंगे ना फ्रेंड्स खाना बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो ज्यादा लंबा होंगे होगा तो साइड में ना मुंह के साइड में लगते रहता है, बहुत इरिटेटिंग होता है। तो ऐसे अगर आप इस शेप में आप काट के देंगे तो बच्चे भी आराम से खाएंगे और अगर कोई गेस्ट को भी आप सर्व करेंगे तो एम्बेरेसमेंट फील नहीं होगी उनको। देखिए और एक मैं काट के दिखा देती हूँ, अगर आप ऐसे काट के रख देंगे तो प्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है देखिए इसको अलग कर लिया और इसको फिर से एक बार बीच में से काट लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाता है, फटाफट हो जाता है, खाने वाले भी खुश आप भी खुश। देखिए अगर राउंड प्लेट में अगर आप रखेंगे इससे अच्छा है कि आप कोई आपके पास रेक्टेंगल टाइप ट्रे होगा छोटा सा उसमें आप रख के सर्व कीजिए तो अच्छा भी लगता है। ठीक है देखिए एक एक ऐसे सजा के इसके ऊपर आप काला नमक या काली मिर्च कुछ भी पाउडर डाल के सर्व कर देंगे तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में बहुत कन्वीनियंट होता है फ्रेंड्स, ऐसे सर्व कीजिए। ओके चलिए अब आ जाते हैं नींबू का रस कैसे निकालें बिना मतलब एक भी बूंद वेस्ट ना हो, पूरी तरीके से रस निकालने का तरीका देखिए। सबको पता भी होगा लेकिन जिसे नहीं पता है ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। देखिए एक दो बार आप अच्छे से ऐसे निचोड़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स, ऐसे उसको मोड़ लीजिए तो उसके बाद एक हाथ से पकड़ के ना एक हाथ से हल्के से बीच में से ऐसे प्रेस करते करते घुमाते आप अगर निकालेंगे ना फ्रेंड्स एक बूंद भी उसमें नहीं बचेगा। देखिए पूरी तरीके से नींबू
का रस निकल जाता है उसमें, ठीक है। देखिए आप करेंगे भी तो आएगा भी नहीं रस उसमें से, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंड्स। ये तो देखिए बड़े लोगों को तो पता ही है, लेकिन आजकल के बच्चों को नहीं पता है, इसीलिए मैं कुछ कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें बताते रहती हूँ जो मैं अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते रहती हूँ। देखिए उल्टा कर लिया उसका, आप थोड़ा सा बड़ा सा पतीला कुछ ले लीजिए, मैं तो बहुत छोटा सा ग्लास लिया इसलिए स्पिल हो रहा है, लेकिन ये अच्छा तरीका है फ्रेंड्स। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट करके जरूर बताइए, और अगले वीडियो में मिलने तक स्टे फिट स्टे हेल्दी। बाय बाय।